नमस्कार फ्रेंड, मैं संजय शाह एक बार फिर से आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज मैं आपके सामने आया हूं एक सवाल और एक समस्या को लेकर जो कि बहुत अहम है, क्योंकि आप लोग एनर्जी लवर हो और इसीलिए मेरे चैनल में भी हो और मेरे दर्शक भी हो और मुझे पसंद भी करते हो। उसी प्रकार कई सारे लोग हैं जो बहुत सारे एनर्जी चैनल से जुड़े हुए हैं और ऐसे कुछ मास्टर्स से भी कनेक्टेड है जहां से वो हायर लेवल की एनर्जी सीख रहे हैं। मैं एक मेरे फॉलोअर और एक माता जी का जिनका नाम मैं उल्लेख नहीं कर सकता हूं यहां पे सार्वजनिक रूप में, क्योंकि उनकी कुछ प्रॉब्लम्स है। उन्होंने कहा है कि सर, मेरा नाम सो एंड सो है और मैं एंशियंट मैग्नेटिज्म का कोर्स कर लिया है, सर गेंदम हिप्नोटिस का कोर्स कर सकता हूं क्या, प्लीज मुझे बताइए और उसकी फीस क्या है। अब यहां पे मुझे शौक लगा कि एंशियंट मैग्नेटिज्म वो कर चुके हैं, अब गेंदम हिप्नोसिस करना चाह रही है, जबकि मैंने आप लोगों को बार बार कई सारे वीडियो में मैंने बताया कि गेंदम को ही मैंने एंशियंट मैग्नेटिज्म का नाम पूरे इंडिया में सबसे पहले मैंने ही दिया था। हालांकि मेरा जो एक फ्रेंड था जो कि मेरा को लर्नर था, हम लोग एक साथ प्रैक्टिस करते थे, सीखते थे, वो इंडोनेशिया के मिस्टर डेविड, और आज के डेट में हालांकि वो उनको थोड़ी सी अलग हो गए मुझसे, इसलिए अलग हो गए क्योंकि उनको उनका जो मोटिव है वो मुझसे बन नहीं पाया, क्योंकि जब हम दोस्त रहते हैं दोनों की सोच मिलनी बहुत जरूरी होता है, और अगर हमारी सोच नहीं मिलती है तो हम जरूर अलग हो सकते हैं और कोई किसी के साथ बॉन्ड के तरीके से जुड़ नहीं सकते। तो मिस्टर डेविड के दिमाग में आया कुछ लोग, जैसे ही डेविड को तो कोई जानता नहीं था, जब मैं उसको यूट्यूब में प्रमोट करने लगा एज ए फ्रेंड और एज ए स्पिरिचुअल पर्सन, तो उसने क्या तब कुछ लोग वहां पे जुड़ गए उनके साथ, और फिर डेविड ने अपने आप को अलग से ही एक महागुरु साबित किया, जबकि डेविड के पास में मैग्नेटिज्म की नॉलेज है और वो क्वांटम हीलिंग के टीचर भी हैं। वो अपने कंट्री में उनका जो क्लासेस होती है क्वांटम हीलिंग के ही होते हैं और मैग्नेटिज्म के होते हैं, बट गेंदम इज अ ब्लेसिंग, मैं बार बार बोलूंगा। तो जो भी हो, वो जो कुछ गलत फहमियां क्रिएट हुई थी गेंदम और मैग्नेटिज्म को लेकर और एंशियंट मैग्नेटिज्म को लेकर, उसमें क्या कुछ लोग डेविड से जुड़कर अब वो महागुरु कई कई जगह से कई बन रहे, कोई ग्रैंड मास्टर बन रहे और बन चुके हैं, और यूट्यूब में अपना चैनल खोल के एंशियंट मैग्नेटिज्म का कोर्स करवा रहे हैं, जबकि एंशियंट मैग्नेटिज्म कोई कोर्स नहीं है, गेंदम को ही एंशियंट मैग्नेटिज्म का नाम मैंने दिया था, लेकिन विदाउट ब्लेसिंग गेंदम के जो मंत्रास है, हालांकि अलग अलग गुरुओं के पास अलग अलग मंत्रा है, लेकिन जो प्योर चीजें हैं, क्योंकि अगर आप मानते हो कि गेंदम के मंत्रा आपके पास हो जाएगी तो आप गेंदम कर सकते हो, तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगूंगा आप लोगों से कि आप गेंदम नहीं कर सकते। हाँ, आप मैग्नेटिज्म कर सकते हैं, अगर आपने मैग्नेटिज्म सीखा है कई दूसरे टीचर से या एंशियंट मैग्नेटिज्म के नाम से, वही गेंदम के मंत्रास को आप इस्तेमाल कर रहे हो, दैट्स मीन आप मैग्नेटिज्म कर रहे हो, इट्स नॉट गेंदम। बट एक्चुअली एंशियंट मैग्नेटिज्म कोई कोर्स नहीं, आप इंडोनेशिया के कोई अच्छे टीचर से जुड़ जाके आप जुड़िए और उनसे पूछिए व्हाट इज मैग्नेटिज्म व्हाट इज गेंदम, तो बोलेंगे दोनों में डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, और एंशियंट मैग्नेटिज्म कोर्स कोई कोर्स है नहीं, लेकिन इंडिया में भारत में बेधड़क ये कोर्स चल रहा है, क्योंकि भारत में मैं देखता हूं कि ये किसी भी चीज जब आता है, जैसे रेकी का हाल भी ऐसा हुआ है, रेकी जब प्योर रेकी आई और उसके बाद रेकी में बहुत सारे जुगाड़ जो वर्ड है हमारे शब्द में हमारे भारत में चलता है, तो उस प्रकार से जुगाड़ लगा दिए गए, कुछ चीजें प्राणिक हीलिंग से लिए गए, कुछ चीजें दूसरे दूसरे हीलिंग प्रोसेस से लेकर एक नया रेकी बना दिया गया भारत में, और ये तो नहीं सिर्फ इसमें भी नहीं रुके, रेकी के नए कोर्स भी जो है मतलब बना दिए, उसमें नए नए नियम बना दिए, जैसे ग्रैंड मास्टर रेकी का, ग्रैंड मास्टर तो रेकी का होता नहीं है, ओनली गॉड इज ग्रैंड मास्टर, बट रेकी में चल रहा है भारत में, जबकि डॉक्टर मिकाउसी ग्रैंड मास्टर नहीं थे, मिसेस तकाता या डॉक्टर हायाशी, इन लोग कोई ग्रैंड मास्टर नहीं है, सर विलियम ली रैंड है जो आईसीआरटी का प्रेसिडेंट है और फाउंडर है, सर विलियम ली रैंड आईसीआरटी यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर रेकी ट्रेनिंग, वो भी ग्रैंड मास्टर नहीं है, बट उनके चैनल उनके लीनेज से जुड़े हुए लोग अब अपने आप को ग्रैंड मास्टर बोलने लगे। मैं भी धोखे में था एक समय, मैं भी अपने आप को बोलता था, बट जब मुझे रियलिटी पता चला तो मैंने अपने आप से माफी मांगा, रेकी से माफी मांगा, और मैं प्योर साइंस में आगे बढ़ने लगा।
तो उसी प्रकार अब मैग्नेटिज्म में भी कुछ जुगाड़ तो लग गए। जैसे जो मॉडर्न मैग्नेटिज्म है जो इंडोनेशिया के एक टीचर ने फाउंड किया था, कुछ हिप्नोटिज्म के टेक्निक्स, एनिमल मैग्नेटिज्म के टेक्निक्स और गेंदम के टेक्निक्स, इनर पावर की टेक्निक्स, ये सब को लेकर एक नया कोर्स उसने क्रिएट किया। नाम यहाँ पे सार्वजनिक रूप से मैं ले नहीं पाऊंगा उनका। तो उनके बाद उनके ही किसी कुछ स्टूडेंट्स उनके जिनको उन्होंने ग्रैंड मास्टर तक की कोर्स करवाए थे, और उनमें से ही मेरे गुरु थे जो डॉक्टर रविंद्र यादव, उनसे मैंने सीखा था, वो मॉडर्न मैग्नेटिज्म था। बट उसके बाद जब चैलेंजेस सामने आई, कोर्स को जानने की कोशिश किया, तो मैं फिर बड़े बड़े टीचर्स से कनेक्टेड हुआ इंडोनेशिया के। बट वहां पे भी बहुत सारे फेक टीचर भी मिले जो कोर्स को अलग तरह से लेवल पे ले जा रहे थे। बट मेरी किस्मत में थी और मैंने यूनिवर्स से मांगा था, तो मुझे सही गुरु का खोज प्राप्त हुआ यानी संधान मिला, और मैं उनके पास पहुंचा। ऑनलाइन में ही मैंने उनसे ट्रेनिंग शुरू की थी, और बाद में तो मैं उनके पास गया भी था, और ऐसे ही उनके जरिए और भी टीचर्स मिले, और ऐसे बहुत सारे टीचर के पास से इस अमेजिंग साइंस जो इंडोनेशिया का गुप्त साइंस है, गुप्त विद्या है या एंशियंट साइंस है, वो लगभग लगभग पूरी की पूरी जानकारी मुझे मिली और मैं उनसे उनको सीखने में कामयाब रहा। बट उससे पहले ये जो सवाल आया है उसका ही जवाब देना है कि एक्चुअली अगर आपने एंशियंट मैग्नेटिज्म सीखा है तो आप समझ सकते हो मेरे इतने जो थोड़ा समय आप लोगों को बोला हूँ घुमा फिरा के बातों को, तो आपने क्या सीखा है आप समझ सकते हो। एंशियंट मैग्नेटिज्म एक्चुअली अगर यूट्यूब के चैनल में भी देखोगे जो दूसरे मास्टर्स है भारत के, तो आप उनके वीडियोज की टाइमिंग और डेट देख लेना और मेरे वीडियोज के टाइमिंग और डेट देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि किसके वीडियो में ये पहला आया था एंशियंट मैग्नेटिज्म को वर्ड। यहां तक कि मैग्नेटिज्म सबसे पहले भारत में किसी को भी मैग्नेटिज्म के बारे में पता नहीं थी। भारत में मैग्नेटिज्म यानी कि एक सब्जेक्ट है जहां पे आपको बहुत फॉर्मूलस के साथ में कुछ चीजें बताई जाती है, कुछ चीजें सिखाई जाती है, एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। बट ये जो मैग्नेटिज्म मैंने लाया जिसे यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म के नाम से जाना जाता है, मेरे गुरु डॉक्टर रविंद्र यादव की परमिशन से मैंने शुरू की थी। शुरुआत में मैं उनका नाम सार्वजनिक रूप से बोल नहीं पाया क्योंकि उन्होंने ही मुझे मना किया था, क्योंकि वो स्टडी में थे। बट जब उनकी परमिशन आई तो मैं उनको उनका नाम सार्वजनिक रूप से लेने लगा। बट ये रहा मेरा मॉडर्न मैग्नेटिज्म का कहानी। अब हम गेंडम में जाएंगे। गेंडम इज ए प्योर एंशियंट साइंस और बहुत अच्छा साइंस है जिसमें एंजल्स की कनेक्टिविटी, और गेंडम सीखने के बाद हमको कुछ करना नहीं पड़ता है। गेंडम कहाँ की शक्ति है, कहाँ से गया, रामायण महाभारत से यानी हमारे भारतीय परंपरा से उसकी क्या कनेक्टिविटी, आपको कोर्स में बताया जाएंगे। आपके शरीर में कौन से पार्ट से गेंडम की पावर जाती है जहां से ये मिराकल कर सकते हो, या गेंडम कहां से काम करता है, किस इंटेंशन से काम करता है, वो सारे चीजें आपको कोर्स जब करोगे आपको पता चलेगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं ही अकेला इकलौता ही ओरिजिनल टीचर हूं, बट फेक टीचर से बचकर रहिएगा। उसका कारण मैं आगे के जो मेरे फॉलोअर है माता जी का वीडियो में आपको जो मैसेजेस है वो मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने मुझे और भी कुछ चीजें बताए हैं कि सर मेरा हस्बैंड एडिक्टेड है और घर में मनी प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप भी ठीक नहीं है और कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। मैंने रेकी भी सीखा है या रेकी भी किया है, लास्ट 3-4 मंथ से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। ब्लैक मैजिक भी लगा है, जैसा कर दिया ब्लैक मैजिक भी हो गए, उनका मतलब कि किसी ने ब्लैक मैजिक भी कर दिया, ऐसे सभी चीजें उनके लाइफ में प्रॉब्लम आ गई है आज अचानक से पिछले 3-4 महीने में। मैं बोलूंगा माँ अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हो, आपका नाम मैंने नहीं लिया, माफी चाहूंगा, बट ये मैसेज लोगों को देना बहुत जरूरी था, तो आपके मैसेज का मैंने सहारा लिया। सबसे पहली बात है कि ब्लैक मैजिक और आपने कहा है, हाँ हालांकि अगर आपने ओरिजिनल गुरु से कोई ज्ञान सीखा है, सबसे पहली बात है अगर आप प्योर रेकी सीखे हो ना, इंडियन रेकी नहीं बोलूंगा मैं, प्योर रेकी की बात करूंगा, तो आपको आपके शरीर में ब्लैक मैजिक का मतलब ब्लैक मैजिक असर नहीं कर सकता। सीधी बात है, ब्लैक मैजिक एक मतलब एक एनर्जी लेवल में हेवेंस होती है, फर्स्ट हेवन, सेकंड हेवन, थर्ड हेवन और भी सारे हैं। मैं 3 हेवन के बारे में अगर बताता हूं जो होली फायर के कोर्स में, आईसीएटी के कोर्स में बताया जाता है, लेवल 1 लेवल 2 में, उसी को मैं अगर आपको बोलूं तो ब्लैक मैजिक वगैरह जो भी है वो सेकंड हेवन की एनर्जी है। थर्ड हेवन बियॉन्ड सेकंड हेवन, थर्ड हेवन की ऊर्जा रेकी है। जब आप थर्ड हेवन में जाते हो
तो ऐसे सारे ब्लैक मैजिक्स आपके ऊपर काम नहीं करते। हाँ, बट आप सीख तो लेते हो, मेंटली प्रिपेयर होना बहुत मुश्किल है क्योंकि आपने मेहनत नहीं किया, गुरु ने शक्तिपात दिया और आपके पास में वो एनर्जी पहुंची है, इसलिए आप उसको समझ नहीं रहे हो। दूसरी बात है, अगर अपने एंशियंट मैग्नेटिज्म सीखा है, यानी गंदम सीखा है ओरिजिनल ओरिजिनल मास्टर से, तो भी आप समझ सकते हो कि बियॉन्ड है ये, आपके पास में जादुई शक्तियां हैं। जादुई यानी कि गंदम एक जादुई वर्ल्ड है, गंदम एक ऐसा जादुई वर्ल्ड है जहां पर एंजल्स या दिव्य शक्तियां यानी खुद भगवान के जो रूप है वो आपके मदद करने लगते हैं, क्योंकि ये मदद रामायण महाभारत में हुआ है। जब ये मैं सार्वजनिक रूप से इसलिए नहीं बता रहा हूं, कल मेरे वीडियो के द्वारा ही कुछ मास्टर्स बोलने लगे कि हमको भी पता है गंदम कहां से आ रहा है, तो मैं उसको यहां पे नहीं यूज कर रहा हूं। तो कभी अगर आपको ओरिजिनल रियल मास्टर की तलाश है तो एक बार कॉन्टेक्ट करिएगा। और उससे पहले मेरे यूट्यूब वीडियो में भी मैंने बताया कि आप अपने, अगर आप टीचर हो और आपने कोई एनर्जी साइंस सीखा है और आप किसी अच्छे टीचर को ढूंढ रहे हो तो आप उसकी स्कैन करें, कुछ नहीं दो चक्रास की स्कैन करें, एक है सोलर प्लेक्सस चक्रा और एक है हार्ट चक्रा, इन दोनों को स्कैन कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो टीचर क्या है और स्कैनिंग में कैसे रिजल्ट्स आते, मेरे वीडियो में है, आप देख लें। फ्री स्कैनिंग प्रोसेस मैंने यूट्यूब में चलाकर या मैंने बताया है लाइव में आकर, आप उसको देखकर उसको ट्राई कर सकते हो, ये सबसे बड़ी बात है। और सब अगर आपके अंदर आप एक हीलर हो, जैसे आपने रेकी सीखा है या कोई भी आपने प्राणिक हीलिंग सीखा है, तो कोई नए गुरु चूज करने से पहले उन गुरु की ऑरा, गुरु की स्पिरिचुअल कॉर्ड, गुरु की सभी चक्रास को भी आप एक बार स्कैन करके जरूर देख लीजिएगा कि उस गुरु के भीतर क्या आपके गुरु बनने का काबिलियत है या नहीं है, ये सबसे बड़ी जरूरी है। ये एक पावरफुल टूल है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप मेरी भी स्कैनिंग कर लेना, हाँ मैं भी आम इंसान हूं, मेरे भी एनर्जीज खराब हो सकते हैं अगर आपको लगता है, लेकिन अगर आप सच्चे मन से स्कैनिंग करोगे तो कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा मेरे बारे में। एकदम सीना ठोक के आपको बोलता हूं ये बात, और खुलेआम है, छुपाने की बात बिल्कुल नहीं, मेरी मंशा कुछ छुपाने की है ही नहीं। दूसरी बात है, आपने मैग्नेटिज्म सीखा, पति के लिए हीलिंग कर रहे हो, तो आप कामयाब होना बहुत जरूरी है। एडिक्शन तो मैग्नेटिज्म या गंदम से आपको माइंड प्रोग्रामिंग करना होगा, या फिर अगर आप गंदम सीखे हो तो एंजल्स के प्रे करो, गंदम के ग्रैंड मास्टर की शक्ति मंत्रा से आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। बट अगर आपकी एंजल कनेक्टिविटी नहीं है लेकिन आपने एंशियंट मैग्नेटिज्म सीखा है और गंदम सीखा है, एंजल्स कनेक्टिविटी का मतलब वो नहीं है जो एंजल हीलिंग कोर्स में चलता है भारत में, वो नहीं, अलग है टोटल, ये टोटल अलग कनेक्टिविटी है जहां पे एंजल्स आपके साथ आते हैं, आपको स्कैनिंग करने में मदद करते हैं, आपको गाइड करते हैं, किसी किसी को उसकी बातें सुनाई देते हैं, किसी किसी को उनको दिखाई देते हैं। और अगर ये दोनों ना भी हो, मैक्सिमम लोगों के इन चीजें नहीं होती है, फिर भी आप एज ए स्कैनर एंजल के इस्तेमाल करके आप स्कैन करके देख सकते हो। हालांकि गंदम से परे है, गंदम से आगे भी कोर्स करना होगा तभी जाके आप इसको समझ सकते हो, बट इट्स अमेजिंग साइंस, ये बहुत अमेजिंग है। अगर आप ओरिजिनल गंदम सीखे हो तो आपको केवल प्रे करना है, केवल प्रे करने, सब ऑटोमेटिकली होता है, आप एक सिर्फ माध्यम बन जाओ। वो कैसे बनना है गुरु बताएगा। ऐसे ही आज मेरे वीडियो को देख लिया और आपने एंशियंट मैग्नेटिज्म किसी दूसरे मास्टर से सीखा जिनके पास गंदम की ब्लेसिंग नहीं है और आप मेरे बातों को मान रहे हो, तो भी आप सक्सेस नहीं हो पाओगे, इतना मैं बता देता हूं। सबसे बड़ी बात है, यहां पे एक चीज मैंने देखा है भारत में, मेरे साथ हुआ है, मेरे ही कुछ स्टूडेंट जो कि आज के डेट में महागुरु बन चुके हैं एंशियंट मैग्नेटिज्म के या गंदम के, अलग अलग तरह के लोगों को वीडियो बना के दिखा रहे, गिरा रहे हैं। गिराना तो मैग्नेटिज्म का काम है, आप किसी को हिप्नोटाइज करके भी गिरा सकते हो, मतलब सुला देना, ट्रांस में ले जाना, इट्स सिंपल, वेरी सिंपल। बट गंदम वो नहीं है, गंदम अलग है, गिराने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही काम करता है गंदम, मैंने कुछ वीडियो में एक दो डेमोंस्ट्रेशन दिया है। बट फिर भी मैं बोलूंगा जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूं भारत में वो है डबल क्रॉस करने की नीयत। जैसे मैंने गंदम सीखा, मैं अपने गुरु से कनेक्टेड हूं, ओपनिंग मंत्रा ही गुरु से कनेक्टेड होता है, ओपनिंग मंत्रा जहां पे गुरु के पास सत्य शब्द है, उस गुरु को आपको आह्वान करना पड़ेगा, तब जाके उस एंशियंट ट्रेडिशन से और ब्लेसिंग सब कनेक्टेड होते हो। बहुत सारे चीजें हैं, रेगुलर मेडिटेशंस करने होते हैं, एक्सरसाइज करने होते हैं, जो पावर एक्सरसाइजेस होती है, एक्सरसाइज का मतलब है एक्टिविटीज जिसमें आपको
मंत्रा चैंटिंग करने पड़ेंगे, मेडिटेशन करने पड़ेंगे, ऐसे कुछ चीजें हैं, इसको तो आप कर लोगे। साथ में गुरु की कनेक्टिविटी, क्योंकि गुरु को जब आप प्रणाम करते हो, जैसे हमारे भारत में है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर इसको हम देखेंगे तो गुरु ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महादेव है, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः, जो भी है आपको इसको समझ तो सकते हो इस मंत्रा का। उसी प्रकार गंदम के एंशियंट ट्रेडिशन में आपको एक मंत्रा दिए जाएंगे जो ओपनिंग मंत्रा है, जहां पे गुरु के नाम और आपका गुरु भी स्पिरिचुअल नेम होना चाहिए, गुरु के साथ में एंजल के नाम होनी चाहिए। जैसे मेरा नाम है की रामा जगत लावतान, वैसे मैं संजय शाह हूं या डॉक्टर संजय शाह के नाम से आप जानते हो, बट मेरा स्पिरिचुअल नाम है की रामा जगत लावतान। ये एंजल ने नाम दिया है मेरे गुरु को और मुझे, दोनों को एक साथ में मेडिटेशन में, और तब जाके गुरु के द्वारा फाइनलाइज किया गया कि आज से आपका ये नाम है स्पिरिचुअल नाम है, एंजल्स ने दिए हैं। तो इस प्रकार से ये एक सिद्धि होती है इस नाम के साथ। और एक आश्रम होता है, जैसे मेरा आश्रम का नाम है किडुंग पामुलियन जीवा, इस नाम से आपको शक्ति मिलेगी, कि रामा जगत लौटान के नाम से आपको शक्ति मिलेगी और उसको आपकी हायर कनेक्टिविटी बढ़ेगी। ये बहुत बड़ी चीजें हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है। तो ऐसे टीचर के पास में सीखो जिसके पास में ऐसे एबिलिटीज है, ऐसे गुरु की संधान करो, गुरु की स्कैनिंग करो, गुरु से बात करो, सेटिस्फाइड हो, ये सबसे बड़ी जरूरी है। यही ये नहीं कि आप केवल आपने पैसा कम मिल रहा है वहां पे सीख लो, पैसा कम मिल रहा है, पैसा ज्यादा आप खरीद बेच रहे हो, एनर्जी की कोई कीमत नहीं होती है ना भाई, एनर्जी की कोई कीमत नहीं होती है। हाँ, लेकिन एक बात है, अगर आपको हायर एनर्जी चाहिए, क्योंकि एनर्जी यूनिवर्स का है, गॉड का है, तो आपको ईश्वर के माध्यम को हायर एनर्जी शेयरिंग करना पड़ेगा। गिव एंड टेक, ये दुनिया करी है, आप एक हाथ दो एक हाथ लो, आपने कम दिया कम मिलेगा, ज्यादा दिया ज्यादा मिलेगा, खुशी से दोगे तो खुशी मिलेगा, दुख से दोगे तो दुख मिलेगा। जो ज्ञान बांटता है उसको ज्ञान मिलता है, जो धन बांटता है उसको धन मिलता है, आप देख रहे हो, लेकिन लोग इसको समझते नहीं है। मैं हर बात में बोलूंगा वो ज्ञान किस काम की जो दूसरे के काम में ना है, इसलिए मैं मेरे वीडियोस में ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आइए, जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो मैं देख रहा हूं कि मेरे ही कुछ स्टूडेंट्स ने दूसरे मास्टर से सीखा, जैसे डेविड से भी सीखा कुछ लोग, डेविड ने बता दिया तुम महागुरु, जबकि डेविड के पास खुद, मैं जानता हूं कि गंदम की ब्लेसिंग नहीं है, अगर ब्लेसिंग है तो डेविड खुद मुझसे कनेक्ट हो और मुझे बताए और मुझे कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दे, तो मैं मानूंगा कि हाँ उसके पास में गंदम की ब्लेसिंग है। बट अब डेविड के पास नहीं, डेविड के स्टूडेंट्स गंदम सिखा रहे हैं, कैसे कैसा हो सकता है? डेविड को मैं आज से नहीं जानता हूं, डेविड को मैं पिछले 4 साल से जानता हूं, और ये नए लोग हैं कि 1 साल 1.5 साल हुए डेविड को जानते हुए और अब उन लोग महागुरु बन गए, लोगों को सिखा रहे हैं, कई लोग दूसरे मास्टर से भी सीख रहे हैं महागुरु के सर्टिफिकेट। ऐसे सर्टिफिकेट महागुरु अलग है और ओरिजिनल महागुरु अलग है। मैं सीधा बोलता हूं, जब तक आप जावानिस या जो इंडोनेशियन एंशियंट साइंस के उस अंतिम विद्या तक नहीं पहुंच सकते, आप किसी को महागुरु नहीं बना सकते। तो आपने अगर किसी महागुरु से या किसी मास्टर से महागुरु का सर्टिफिकेट लिया है, क्या आपके महागुरु के पास वो अंतिम ज्ञान है, वो 7 लेयर तक का ज्ञान है? अगर नहीं है तो आप भी, आपके पास भी वो क्षमता नहीं है, आप किसी को महागुरु बना सकते हो। ये बहुत सारे विड़म्बना है एक महागुरु के पास में। महागुरु को अर्थात है जितनी बड़ी शक्ति उतनी बड़ी जिम्मेदारी, उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ यू हैव मोर पावर और हायर पावर, देन यू हैव हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस नेचर और गॉड और गॉड क्रिएटेड वर्ल्ड। यही है ईश्वर के बनाई गई इस दुनिया के लिए आपके लिए हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। ये नहीं कि आप सीखे और सिखा रहे हो पैसे कमा रहे हो, ऐसा नहीं है। चकाचौंध की दुनिया ज्यादा दिन टिकती नहीं है। ऐसे बहुत सारे मास्टर्स को मैं जानता हूं जो आगे बहुत आगे बढ़ रहे थे, अचानक से उन डाउन हो गए। आज के डेट में मेरे ही कुछ स्टूडेंट जो मॉडर्न मैग्नेटिज्म दूसरे मास्टर से सीखा है और वो अचानक से यूट्यूब में आए, कुछ लोगों को सीखा, आज वो सीना ठोक के बोल रहे हैं कि मॉडर्न मैग्नेटिज्म इज ए फेक कोर्स, काम नहीं करता। भाई कैसे फेक कोर्स हो जाता है? मेरे ही कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मैं सीना ठोक के बोलता हूं और मैं उन स्टूडेंट को मैंने तैयार किया अपने से, और वो तैयार ऐसे हुए कि वो मॉडर्न मैग्नेटिज्म को भी
बहुत पावरफुल तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे वीडियो में, यूट्यूब के वीडियो में बहुत सारे फीडबैक्स हैं। तो ऐसा है कि आप जेन्युइन टीचर से सीखे और उसकी तलाश करें, आपके मन में झांको, जहां पे भी आपको मिले उस मास्टर से आप सीखो, यही मैं बोलना चाहता हूं। और ऐसे आप करोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। पैसे को बर्बाद ऐसे ही ना होने दो, किसी को भी पैसे दे रहे हो। मेरे लाइफ में भी हुआ था, एक समय मैं भी ना समझता, मैं भारत के करीबन 10 मास्टर्स को मैंने पैसे दिए, रेकी के ग्रैंड मास्टर तक का कोर्स लेवल 1 से लेवल ग्रैंड मास्टर तक का किया है। और उस समय रेकी की कोर्सेज की वैल्यूज बहुत ज्यादा थी, लाखों रुपए मेरे गए। लेकिन जब मुझे, बट मेरे अंदर पैशन थी और मैं उसको सीखना चाहता था, तो मैं ओरिजिनलिटी की ओर बढ़ा और मैं आज ओरिजिनल चीजें सीखा और लोगों को बताता भी हूं जो मेरे स्टूडेंट्स है। तो ये है एक आपको जो मैं आपको बता रहा था। तो आप रिलेशनशिप की भी हीलिंग ओरिजिनल गंदम सीखोगे कर सकते हो, एडिक्शन का भी हीलिंग कर सकते हो। एंजल्स करेंगे भाई, आपको कुछ नहीं करना है। यही तो सबसे बड़ी बात है कि हम कुछ नहीं कर सकते, जस्ट हम एक माध्यम है। और जैसे मैं एक टीचर हूं, गुरु, मैं भी एक माध्यम हूं। अगर आपके, मैं क्या सोचता हूं पता है, अगर कोई मेरे पास आता है तो ईश्वर ने भेजा, ईश्वर ले आया मेरे पास मेरे लाभ के लिए, क्योंकि मेरे जरिए उसको यह ज्ञान मिलना है। और उसी प्रकार मैं मानता हूं जो स्टूडेंट को मेरी दरकार है, ईश्वर उसके पास मुझे पहुंचा देता है। बस इतना ही मेरी समझ है, किसी से कोई कंपटीशन वगैरह या कुछ भी नहीं है, बिल्कुल रखना भी नहीं चाहिए हमको सब चीज। एक टीचर, एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल टीचर होने के नाते ये होने चाहिए। बहुत सारे लोगों को मेरे बातें चुभती हैं क्योंकि मैं खुलेआम बोलता हूं और मैं एज ए प्रोफेशनल टीचर बात नहीं करता हूं। अब ना सही बात बोलूंगा, मैं ऑनेस्टली बोलूंगा, मैं कोई प्रोफेशनल टीचर हूं भी नहीं, बिल्कुल मैं प्रोफेशनल टीचर नहीं हूं। मीठी बात करना नहीं आता है मुझे, मैं डांटता भी हूं, पैर से भी समझाता हूं, पहले पैर से समझाऊंगा, नहीं समझे तो डांट भी लगाता हूं, फिर डांट, जब डांट से भी नहीं समझते फिर खामोश हो जाता हूं, साइलेंट हो जाता हूं। ये मेरे 3 तरीके हैं, मैंने अपने गुरुओं से सीखा है। और ये तरीका सिर्फ एक गुरु से नहीं, बड़े बड़े मास्टर से मैंने सीखा ये तरीका। उसमें कोई समझ जाता है तो ठीक है, क्योंकि हद से ज्यादा किसी को बदलने की कोशिश करूंगा तो दुश्मन बन जाता है। तो हमको बस, और एक लेवल पे आके स्पिरिचुअल टीचर्स खामोश हो जाता है, दर्शनधारी बन जाता है, ये भी मैंने अपने गुरुओं से सीखा है। तो ऐसे बहुत सारे लॉजिक को लेकर मैं चलता हूं। अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो व्हाट्सएप नंबर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई, वहां से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आइए, आपका जो प्रॉब्लम्स है ये सबको आप ठीक कर सकते हैं। और आपने जो रेकी की नाम बोले, अगर आप ओरिजिनल रेकी सीख तो लेवल 1 लेवल 2 इज एनफ फॉर यू, अपने लाइफ के सभी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन कर सकते हो। बट रेकी एक हीलिंग प्रोसेस है, सबसे बड़ी बात है, मैनिफेस्टेशन से ज्यादा रेकी हीलिंग काम करता है। मैनिफेस्टेशन के लिए आपको गंदम या मैग्नेटिज्म वगैरह सीखना चाहिए, हीलिंग भी सभी में होता है, बट रेकी बहुत पावरफुल टूल है ओरिजिनल रेकी हीलिंग के लिए, ये बात ध्यान रखना। रेकी से मैनिफेस्टेशन होता है, बट मैनिफेस्टेशन मैग्नेटिज्म या गंदम से बहुत हायर लेवल की होती है। लव एनर्जीज, मनी एनर्जीज बहुत ज्यादा पावरफुल काम करता है। तो और ये माता जी ने बोला है कि सर मैं अभी प्रेग्नेंट भी हूं और बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, लेकिन पिछले 3-4 महीने से नहीं चल रहा है। कहीं आपने इस 3-4 महीने के भीतर ये एंशियंट मैग्नेटिज्म कोर्स तो नहीं किया? ये सबसे बड़ा सवाल है। मैग्नेटिज्म का भी एक सवाल है, मेरे पास फीडबैक वीडियो है, मैं रखा हूं, बट मैं लॉन्च नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो भी एक माता का है और उनकी फेस सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। कई सारे लोग गलत गलत एनर्जीज दे रहे हैं, और अगर आप किसी गलत टीचर, जिसकी एनर्जी टीचर के लायक नहीं है, उसके अंदर ईगो है, और ये मैग्नेटिज्म या गंदम एक स्पिरिचुअल कोर्स है और इसमें डायरेक्ट शक्तिपात गुरु के द्वारा होता है, तो गुरु की शक्ति जाती है साथ में। तो अगर नेगेटिव एनर्जी गुरु के भीतर है और उससे आप ये कोर्स करें हो, तो आपके भीतर प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा। तो आपको सबसे बड़ा बात है कि प्रोफेशनल टीचर्स को ना चुनकर एक स्पिरिचुअल टीचर को चुनिए, तो आपके लिए बहुत बेटर होगा, आप बहुत आगे तक जा सकते हो, बहुत कुछ अमेजिंग लाइफ में कर सकते हो। अगर इस 3-4 महीने में आपने ये एंशिएंट मैग्नेटिज्म सीखा है, तो तुरंत अच्छे टीचर से कनेक्टेड होइए, जो टीचर आपको सही रास्ता दिखाएगा और पुराने जो इनिशिएशन है उसको रिमूव करके नए इनिशिएशन दे सकता है। हालांकि आपके गुरु ने आपको बताया होगा कि यह इनिशिएशन मेरे अलावा कोई निकाल नहीं सकता, नहीं, एक महागुरु और उस लेवल के महागुरु होने के नाते मेरे पास में ये काम क्षण भर का है, मैं चुटकियों में निकाल सकता हूं किसी की भी इनिशिएशन, चाहे वो मेरे स्टूडेंट हो या दूसरे का भी हो। अगर अभी आप बोलोगे सर ऐसा है, तो आपका जो स्टूडेंट्स आपको छोड़कर गए हैं
उनकी भी आप रिमूव क्यों नहीं करते? देखो मैं पाप की भागीदार नहीं बनना चाहता हूं, सीधी बात है। कोई प्रॉब्लम में है, कोई बोल रहा है तो मैं करूंगा, वो पाप नहीं होता। क्योंकि उन्होंने मुझे, मैंने जो एनर्जी शेयरिंग पूछी थी, जो मैंने डोनेशन मांगा था, उसने दिया तो मैंने उसको ज्ञान दिया। अब वो मुझसे अलग हो गए, नो प्रॉब्लम। मुझे ऐसे कोई भी हिंसा जलसी नहीं है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य अगर एक स्टूडेंट अपने, एक गुरु अपने ही छात्र से हिंसा करे तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। मैं उस लाइन पे जाना ही नहीं चाहता हूँ, सीधी बात है। सबको अपनी मर्जी है, अलग अलग हट सकते हैं। हाँ, लेकिन ब्लेसिंग चली जाती है, धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। फिर वो बाकी बाद में वो मैग्नेटिज्म वगैरह ही करता है, और जो भी हीलिंग वगैरह करता है इनर पावर, क्योंकि एनर्जी शक्ति पास से इनर पावर भी एक्टिवेट होता है, उससे करता है। धीरे धीरे कुछ सालों बाद में वो स्टूडेंट बीमार भी पड़ने लगता है, उसके साथ बुरा होने लगता है, फिर धीरे धीरे सब कुछ छोड़ देता है, क्योंकि ये एनर्जी उसको सजा देता है। गुरु गुरु को सजा देने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए जिसने भी एनर्जी शेयरिंग की उनको मैं धन्यवाद बोलूंगा, और सीखे भाई आप अपना रास्ता आपने चुना, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप मेरे साथ जुड़ा रहना चाहते हो तो मेरे साथ, मैं आपके लिए डेली प्रे करूंगा। और जो जापानीज परंपरा में मैंने में एक 4 दिन का बहुत बड़ा रिचुअल्स होता है, जो फाइनल वाला रात होता है, बहुत ही मतलब अमेजिंग रात होता है, वो भी आपको ओरिजिनल गुरु ही बता सकता है। उस दिन सभी जो मुझसे कनेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं प्रे करता हूँ, उनसे फोटो मांगता हूँ, उनको ब्लेसिंग देता हूँ, जिससे धीरे धीरे उनकी पावर बढ़ती जाती है। तो ऐसा ही ये अमेजिंग साइंस है, और इस अमेजिंग साइंस को अगर सीखना चाहते हो, यानी कि ओरिजिनल इल्मु गंदम, एक ओरिजिनल महागुरु या ओरिजिनल टीचर से सीखना चाहते हो, तो की रामा जगत लौटान से कनेक्टेड होना, यानी मैं यानी डॉक्टर संजय शाह या संजय शाह से कनेक्टेड होना, या आप एक बार मुझसे मिलकर पूछ के भी देख सकते हो। हाँ, जो मैं बोल रहा था कि मेरे बातों में प्रोफेशनली नहीं दिखेगा, मैं क्लियर कट बोलने में यकीन रखता हूँ, सच्चे दिल से हूँ। और एक्चुअली मैं अंडमान निकोबार आइलैंड में रहता हूँ, मैं अपने यहाँ पे नेचर के साथ जुड़े रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और यहाँ के नेचर ने मुझे यही सीखा है, वो पॉलिटिक्स वगैरह और वो मीठी बातों में बोलकर लोगों को ठगना मुझे आता नहीं है। सच बात बोलूंगा उसके पीछे जो भी हो जाए, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे जो चाहिए वो मिल जाता है हायर एनर्जी से, और यूनिवर्स और एंजल्स और दिव्य शक्ति मुझे देता है। मैं अपने गुरु को धन्यवाद दूंगा, कई सारे अचीवमेंट मेरे लाइफ में आए हैं, जैसे रेकी के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला है, और अल्टरनेटिव थेरेपी के लिए हार्वर्ड बुक ऑफ वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला है, और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मुझे मिला है इस प्रकार के अल्टरनेटिव थेरेपी के लिए, और एस हिप्नोसिस एंड मेस्मरिस्ट, यानी कि एक अनोखा और प्राचीनतम का हिप्नोथेरापिस्ट और मेस्मरिस्ट के नाम से मुझे जो ब्रावो इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मेरा नाम आया है। ऐसे कई सारे रिकॉर्ड्स आए हैं जिसके लिए मैं उन सभी को भी धन्यवाद दूंगा। वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने मुझे फॉलो किया और इतने बड़ी अचीवमेंट्स आप लोगों ने मुझे दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बट मैं सिर्फ एंजल से प्रे करता हूँ कि मुझे बस लोगों को सही रास्ता दिखाना है, और एंजल के गाइडेंस से, मार्गदर्शन से मैं करता हूँ, और जिसका फलस्वरूप ये वीडियो भी बन रहा है और इतने सारे अचीवमेंट्स भी आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच एक बार फिर से, और लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड करोगे, ताकि लोगों को और सही चीजें पता चले। मेरी ओर से आप सभी के लिए एनर्जी ब्लेसिंग्स फॉर योर सक्सेस।